जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VM Tech Info में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप एक भारतीय स्टेट बैंक के CSP सेंटर चलाते हैं, बैंकिंग BC है, या फिर दोस्तों आपका जनधन अकाउंट है जो कि CSP सेंटर पे खुला हुआ है और भारतीय स्टेट बैंक का आपका अकाउंट है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए भी काम का है और जो भारतीय स्टेट बैंक के CSP सेंटर चलाते हैं उनके लिए भी अच्छा काम का वीडियो है। दोस्तों आज के इस वीडियो में एक अपडेट के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि CSP सेंटर पे खोले गए जो खाते हैं उसके अंदर जो कैश डिपॉजिट का ऑप्शन है तो इसको लेके दोस्तों एक अपडेट आई है। तो पहले दोस्तों क्या होता था कि जो नॉन होम ब्रांच के अकाउंट होते थे, यानी कि जिस CSP के पास आपने अकाउंट खुलवाए हैं वो जिस बैंक का आपका अकाउंट है उसके अलावा अगर आप दूसरे किसी CSP सेंटर पे जाके जो कि दूसरी ब्रांच का CSP है वहाँ जाके अगर आप कैश डिपॉजिट करवाते थे तो वहाँ पर आपको वहाँ पे चार्ज करना होता था, उसमें आप डिपॉजिट का भी आपको चार्ज लगता था। और साथ ही दोस्तों वहाँ पर कई कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो अपने पासबुक के हैं वो लेके, दो तीन चार पासबुक परिवार के होते हैं वो लेके CSP सेंटर पे जाते हैं, वहाँ पे फिंगर नहीं लगा के वहाँ पर एक एक रुपया जो कि डिपॉजिट करके उनकी बैलेंस इंक्वायरी भी करवाते हैं। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है, जो नॉन होम ब्रांच के अकाउंट होते थे तो उसके अंदर दोस्तों वो एक रुपया डिपॉजिट करके बैलेंस इंक्वायरी नहीं कर पाते थे। हमारे पास भी कई ऐसे कस्टमर आते थे जो कि हमारी जो नियरेस्ट बैंक है सेड़वा की ब्रांच है उसके जो ज़्यादातर अकाउंट हमारे आसपास के इलाके में हैं, तो ऐसे कस्टमर हमारे पास आते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि इसके अंदर आप एक रुपया डिपॉजिट करके हमें बैलेंस इंक्वायरी करके बता दो। तो तब हम वहाँ पर एक रुपया डिपॉजिट नहीं कर पाते थे क्योंकि दोस्तों वहाँ पर कम से कम 100 रुपये डिपॉजिट करने होते थे, उसमें से 25 रुपये उसके नॉन होम ब्रांच का जो चार्ज होता था डिपॉजिट का वो कट जाता था। तो 100 रुपये उनसे डिपॉजिट करवाने पर 75 रुपये उनके खाते के अंदर डिपॉजिट होते थे और उसके बाद 25 रुपये उसके जो चार्ज लग जाता, तो इतना सारा कोई नहीं कर पाता था बैलेंस इंक्वायरी के लिए जो आते हैं और वो 100 रुपये वहाँ पर डिपॉजिट नहीं करवा पाते थे। और तो ऐसी कंडीशन में हम उन्हें मना करते थे कि आपका अकाउंट यहाँ पर चेक नहीं होगा, आपको ब्रांच में जाना होगा या फिर आपको कस्टमर खुद को हमारे पास लाना होगा। तो दोस्तों अब SBI ने ये जो सेवा है डिपॉजिट की इसके अंदर जो चार्ज था वो बिल्कुल हटा दिया गया है। अब आप CSP सेंटर पे जाके आपके किसी भी ब्रांच का अगर आपका अकाउंट है और आपका अगर CSP अकाउंट खुला हुआ है तो आप किसी भी CSP के पास जाके वहाँ पर बैलेंस इंक्वायरी भी करवा सकते हैं और साथ ही दोस्तों आप जितने भी 20,000 रुपये तक का आप डिपॉजिट वहाँ पर करवा पाएंगे और उसमें आपका किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो दोस्तों चलिए दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं, मैं लाइव आपको प्रोसेस बताऊँगा। और इसमें दोस्तों एक ही है, जो डिपॉजिट आप करोगे उसके अंदर ही चार्ज नहीं लगेगा। नॉन होम ब्रांच में अगर आप मनी ट्रांसफर करेंगे तो वहां पर जो पहले का चार्ज लग रहा है वही लगेगा, लेकिन आप CIF से उसको लॉगिन करके डिपॉजिट करेंगे तो वहां पर आपको चार्ज बिल्कुल नहीं लगेगा। तो दोस्तों चलिए लाइव प्रोसेस आपको मैं प्रूफ के साथ दिखाता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे पोर्टल पर, आप देख सकते हैं हमने CSP का पोर्टल ओपन कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको मनी ट्रांसफ़र करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये नॉन होम ब्रांच का अकाउंट है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं अकाउंट नंबर एंटर कर लेता हूँ, दोस्तों अकाउंट नंबर एंटर करके सबमिट कर देता हूँ। दोस्तों जैसे सबमिट करते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा मनी ट्रांसफ़र का पेज ओपन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अकाउंट नंबर है, आप नोट करके रख सकते हैं, 144 लास्ट में है, उसका नाम वगैरह आप सब देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर IFSC कोड है जो कि हमारी नियरेस्ट ब्रांच सेड़वा का है 701, और यहाँ पर हम नाम वगैरह डाल के मोबाइल नंबर डाल के इसको एक बार सबमिट कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद हम इसमें एक बार 100 रुपये डिपॉजिट करके आपको बताऊंगा ताकि यहाँ पर चार्ज हमारा कितना लग रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यह सबमिट बटन पे हम क्लिक कर लेते हैं। सबमिट क्लिक करने के बाद हमारे पास आ जाएगी OTP। तो दोस्तों यहाँ पर OTP को मैं एंटर करके वेरीफाई कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। OTP हमने डाल दी, इसके बाद वेरीफाई कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 रुपये में से 10 रुपये हैं जो कि इसका कमीशन कट रहा है, ठीक है दोस्तों। 90 रुपये हैं जो कि अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं और 10 रुपये यहाँ पर इसका चार्ज जो कि कट रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और ये कंफर्म हो चुका है कि नॉन होम ब्रांच है, इसके लिए यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र में आपका चार्ज लग रहा है। तो दोस्तों मनी ट्रांसफ़र में आपको चार्ज लगेगा ही लगेगा। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पर CIF से लॉगिन कर लेना है, यानी कि जितने भी CSP के अकाउंट हैं उन सब के लिए ये सुविधा है। तो CIF हम यहाँ पर डाल के आप देख सकते हैं दोस्तों हमने इसको CIF से लॉगिन कर लिया है। यहाँ कस्टमर का नाम आ चुका है, अकाउंट नंबर 1144 लास्ट में आप देख सकते हैं। तो इसमें हम डिपॉजिट करेंगे, तो चलिए दोस्तों 1 रुपया मैं डिपॉजिट करके आपको बता देता हूँ ताकि इनकी बैलेंस इंक्वायरी भी हो जाए
और आपको भी कंफर्म हो जाए। ठीक है दोस्तों, 1 रुपया हमने डाला, इसको सबमिट कर लिया। और सबमिट करने के बाद दोस्तों हम हमारे ट्रांजेक्शन पासवर्ड यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों 1 रुपया आ चुका है। इसका जो चार्ज है जो कि बिल्कुल 0 है, कुछ भी चार्ज नहीं लग रहा है, और कैश पेड टू CSP 1 रुपया ही आ रहा है। तो हमने 1 रुपया डाल दिया, वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद दोस्तों यहाँ पर चलिए हम देख लेते हैं एक बार। आगे वेरीफाई होने के बाद हमारा ट्रांजेक्शन पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, उसके बाद हम ट्रांजेक्शन पासवर्ड यहाँ पर डाल के आगे प्रोसेस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सर्वर थोड़ा सा धीरे चल रहा है, माफ़ कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं ट्रांजेक्शन पासवर्ड लगा देता हूँ। दोस्तों ट्रांजेक्शन पासवर्ड भी आपको यहाँ से कॉपी करके शिफ्ट व इंसर्ट लगा देंगे तो आपका वहाँ पर तुरंत कॉपी पेस्ट हो जाएगा, तो ये भी ट्रिक आप समझ लें। और उसके बाद यहाँ पर कंफर्म करेंगे दोस्तों, जैसे ही कंफर्म करेंगे 1 रुपया जो कि इस अकाउंट के अंदर सक्सेसफुली यहाँ पर डिपॉजिट हो चुका है। और यहाँ पर आप बैलेंस इंक्वायरी भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस है वो भी शो हो रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों अब जो भी बाहर के अकाउंट है, CSP अकाउंट है, उसके लिए बहुत ही अच्छा है। अब आप किसी भी CSP सेंटर पर जाके आप पैसे डिपॉजिट भी करवा सकते हैं, साथ ही दोस्तों कुछ पैसे डिपॉजिट करके आप बैलेंस इंक्वायरी भी करवा सकते हैं विदाउट कस्टमर। आप अपने परिवार के किसी सदस्य की बैंक डायरी वगैरह चेक करवा